अच्छा ऐशा होल्ड करो, पुपा बात सुने। जी ईमान बेटा। पुपा मैंने ना अपना ड्रेस आयरन स्टैंड पे रखा, उसको जरा प्रेस कर दे। ईमान मेरी जान, आपके अब्बू को ना उठने का वक्त हो रहा है, तो उन्होंने ऑफिस जाने में पहले उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद आपका ड्रेस प्रेस कर दूंगी, ठीक है? क्या मतलब, अब्बू तो अभी सोए और आपको उनकी पड़ी है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप मुझे इग्नोर करी जा रही हैं, फिर आप दूसरों के सामने एक्टिंग करने लग जाती है, ये तो मेरे पे बड़े जुल्म करती है, फलाना है तो टिमकाना है, यही आप चुप करके काम कर देना तो कोई आपको कुछ ना बोले। नीचे कपड़े पड़े, फटाफट इस्त्री कर दे, मैं जा रही हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, वो बच्ची अब मेरे पे गुस्सा नहीं निकालेगी तो किस पे निकालेगी, बेचारी को की पढ़ाई की टेंशन होगी। खैर मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूँ। एक तो इस लड़की के नखरे बहुत ज़्यादा है, इतने हैवी ड्रेसेस कौन पहन के जाता है यूनिवर्सिटी में। या अल्लाह पाक, इसी मां को आप ही हिदायत दे दो। नायला जी, भाईजान नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत जल्दी है, मैंने जाना है। भाईजान वो ईमान के कपड़े प्रेस कर रही थी तो अभी तक नहीं बना, आप मुझे बस 5 मिनट दे, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें टाइम लग जाएगा, मैं रास्ते से खा लूंगा। फूफा वैसे हद होती है किसी चीज की, बाबा के सामने मेरा नाम लेना जरूरी था, ईमान के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अच्छा बनने का आपको बहुत शौक है, बस कर दीजिए उन्हें टंकीबाजी। ईमान मेरा बेटा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फूफा मैं आपके सारे मतलब अच्छे तरीके से समझती हूँ, गिरगिट भी आपसे माफिया मांगे अगर वो देख ले कि आप इतनी तेजी से रंग बदलती हैं, और मैं आपके पास बैठने लगी हूँ कहीं मेरा सूट ही ना जला दे। जी बेटा मेरी गलती। नायला आज दोपहर के खाने में क्या बनाया है? जी भाभी मैंने दाल और चावल बनाए हैं। चलो ठीक है, खाने के टेबल पे दाल चावल लगाओ, सब मिलके खाना खाते हैं, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। मामा मुझे नहीं खाना खाना। क्यों, क्या हुआ बेटा, पप्पा ने कुछ बोला आपको? नहीं भाभी, मेरे तो से कुछ भी नहीं बोला। मामा मेरे डैड सुबह भूखे गए हैं, ऐसे मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? क्या, वो भूखे ऑफिस गए हैं? नायला मैं एक दिन के लिए बीमार क्या होंगे, तुम्हें तो हड़ हरामी चढ़ गई है, पता नहीं उन्होंने क्या खाया होगा क्या नहीं, भूखे काम कर रहे होंगे, कैसी औरत हो तुम? भाभी वो मैं ईमान के क्या ईमान, ईमान फूफो आपसे एक सूट क्या प्रेस करा लिया, आपने पहले बाबा के सामने जलील किया फिर मामा के सामने जलील किया, आप एक काम क्यों नहीं करती, पूरे मोहल्ले में ऐलान करा दे कि ईमान आप पे बहुत जुल्म करती है। वाह जी वाह, मिशन कंप्लीट, पहले मेरे हस्बैंड भूखे ऑफिस गए हैं और अब मेरी बेटी यहाँ से नाराज होकर चली गई है, यही तुम टाइम से उठी होती ना तो सारे काम हो जाते, उनको नाश्ता भी मिल जाता, उसके कपड़े भी प्रेस हो जाते और ये नौबत ना आती, लेकिन तुम तुम्हें तो अपनी अय्याशियों की पड़ी हुई है, हड हरामियां चढ़ी हुई है, इसी वजह से तुम्हें तलाक हुई थी, अब तुम इतनी मोटी होगी अब तो किसी ने तुम्हारा रिश्ता भी नहीं लेना, तुम्हें पता नहीं हमारी जान कब छोड़नी है। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो सुबह नमाज टाइम उठी थी तब से काम कर रही हूँ, बस वो सूट प्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था वो साथ डलवाएगा। मेरे साथ ना ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, ये मगरमच्छ के आंसू ना अंदर ही रखो, और पता है मुझे कितनी को तुम नेक पारसा हो, नमाज के लिए उठी थी। भाभी जान आज 3 दिन हो गए काम वाली नहीं आ रही, खैरियत है? तुमने ही अपने भाई को पट्टी पढ़ाई थी ना कि सेविंग किया करें, वो पट्टी उनके दिमाग में पड़ गई है, हटा दी उन्होंने काम वाली। भाभी एक्चुअली इतना ज्यादा काम होता है ना, काम कर के मेरे बैक पे ना पेन निकल आई है, फिर आप एक काम करें, ईमान को बोले कि मेरा हाथ बटा दिया करें। पागल हो तुम, अब मैं ईमान को बोलूं कि वो तुम्हारा हाथ बटाए, तुम्हें पता है उसको डस्ट से कितनी एलर्जी है, और किचन में तो वो काम कर नहीं सकती, हीट की वजह से उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि उसको रैच हो जाते हैं, तुम तो चाहती हो कि मैं उसको यूनिवर्सिटी से हटा के ना तुम्हारे साथ काम पे लगा दूं, तुम दोनों बहन भाइयों ने तो पता नहीं क्या प्लानिंग्स की हुई है, हमारे तो पीछे ही पड़ गए हो। भाभी एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती, आप मेरी हर बात को नेगेटिव क्यों लेती हैं, मैं ईमान के भले के लिए बोल रही हूँ, आज अगर वो मेरे साथ थोड़े से काम वगैरह कर लेगी तो कुछ सीख जाएगी, अगले घर जाके उसी का फायदा, वहां पे किसने नखरे नहीं देखने, अब मेरी ही मिसाल ले ले, मैं अपने ससुराल में सारा काम करती थी फिर भी यार डिवोर्स बैठी हुई हूँ, वहां पे ना कोई नखरे नहीं देखता। बकवास बंद करो अपनी, अभी तो उसका घर भी नहीं बसा और तुमने बात तलाक तक पहुंचा दी है, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, कल उसको रिश्ते वाली देखने के लिए आ रही है, और अगर तुम हमारे पास भी फटकी ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी फटकन जोगी। माशाल्लाह बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, और सूरत के साथ साथ इसकी सीरत भी लाजवाब है, आपको पता है घर के सारे काम करती है, कुकिंग भी करती है, पूरा घर इसने संभाला हुआ है, रात को मेरे और अपने अब्बू की टांगे दबाकर सोती है,
मैं तो गारंटी देती हूँ जिस घर में भी जाएगी ना वो लोग बहुत खुश रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी भी यही कोशिश होगी कि लड़का भी इस जैसा ही हो। जी बहन जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम भाजी, भाभी जान, भाई जान, मैं चाय पानी का इंतजाम करूँ? नहीं, जाहिर सी बात है रिश्ता देखने के लिए आए हैं, चाय पानी का इंतजाम तो करना है। तुम्हें चाहिए था कि तुम नीचे से चाय पानी साथ लेकर ऊपर आती, ऊपर आके पूछ रही हो चाय पानी का इंतजाम करूँ। अजीब, ये आपकी काम वाली है? हाँ जी आंटी, इसको काम वाली ही समझे। मुझे काम वाली बना दी है। अच्छा बाजी मुझे इजाजत दें, कोई रिश्ता होगा तो मैं आपको कॉल पे इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? नायला ऊपर आओ जल्दी। जी भाई जान। इधर आके बैठो जरा। जी आई। चलो ईमान बेटा, फूफो को सॉरी बोलो। सॉरी? वो भी फूफो को? मैं किस खुशी में कहूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने उस रिश्ते वाली के सामने मेरी बहन को काम वाली बोल दिया और मुझसे पूछ लो मैंने किया क्या है? तुम्हें रिश्तों का कोई एहतराम नहीं है, ये सीख क्या होती यूनिवर्सिटी से? ओहो, क्या हो गया है आप दोनों को? और तुम खुश हो गई बाप बेटी का तमाशा लगवा के? चुप करके यहाँ पे बैठी हुई कुन्नी बन के बताओ कि तुम्हारी गलती है सारी? आप मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, आपने इसके कपड़े देखे? मुझे तो कहीं से ये आपकी बहन नहीं लग रही, इससे प्यारे कपड़े तो शैला कामवाली ने पहने होते हैं। तुम ना। जी भाईजान, सारा कसूर मेरा है, मुझे ही कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे। सॉरी भाभी जान, सॉरी बेटा, सॉरी भाईजान। जो हरकत तुमने की है ना वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इनकी बहन हो तो उस इज्जत में सॉरी एक्सेप्टेड। चलो ईमान बेटा, वैसे भी तुम्हारे बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी इंसल्ट की। हेलो। अच्छा वाकई, मैं करती हूँ बात। बात सुने, उनको हमारी बच्ची पसंद आ गई है, वो दिन मांग रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलाओ नायला को भी बताते हैं। आपका दिमाग ठीक है? उस मनहूस मारी को जरूर बताने, उसने बना बनाया काम भी खराब कर देने। कभी ना अपनी जुबान संभाल के भी बात कर लिया करो, जितना बोला उतना करो, उठो। बदतमीज, ये किससे फोन पे बात कर रही है? या अल्लाह पाक, मैं ईमान को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, आपको पता है वो यहाँ पे कितने लाड़ नखरों में पली है। या अल्लाह पाक, जब वो अगले घर जाए उस पर अपना कर्म करना, उसके लिए आसानियाँ करना। या अल्लाह पाक, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई और भाभी को कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। या अल्लाह पाक, तो हम सब पे अपना रहम फरमा, आमीन। देखा, तुम लोग हर वक्त उसको बुरा भला बोलते हो और वो यहाँ पे तुम लोगों के लिए दुआएं मांग रही है। जरूरी नहीं है दुनिया में सारी पुप्पो बुरी ही हो, कुछ प्यारी पुप्पो भी होती हैं।